हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आप लोगों का फिर से मेरे एक नए वीडियो में। आज मैं अनबॉक्सिंग करने वाला हूँ गाइस टीपी लिंक का 4G LTE रोटर। तो इसका जो है मैं आज अनबॉक्सिंग करूँगा गाइस, इसलिए वीडियो को लास्ट तक देखिए। और अगर वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को भी सब्सक्राइब ज़रूर से कर लीजिए। तो चलिए गाइस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो यहाँ पर मैं कुछ फ़ीचर्स आपको बता देता हूँ। यहाँ पर जैसे कि यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं 4G 3G दोनों ही यहाँ पर सपोर्ट करते हैं। और यहाँ पर जो आपको 300 Mbps प्लस 433 Mbps डुअल बैंड वाईफाई में मिल जाएगा। और यहाँ पर डिटेचेबल LTE एंटीनास फॉर बेटर एक्सपीरियंस, मतलब यहाँ पर जो है आपको दो एंटीनास मिलेंगे बेटर परफॉर्मेंस के लिए। तो यहाँ पर मॉडल नंबर आप लोग देख सकते हो इसका आर्चर MR200। तो यहाँ पर बैक साइड में देखते हैं और क्या लिखा हुआ है। और यहाँ पर देख सकते हैं आप लोग जो है 64 डिवाइसेस को एक साथ में कनेक्ट कर सकते हो। और यहाँ पर जो है आप लोगों को 4 एथरनेट केबल लगाने के लिए भी पोर्ट दिया जाएगा। तो यहाँ पर आप लोग जो है सब पढ़ सकते हो क्या कुछ लिखा हुआ है स्पीड वगैरह। तो चलिए बिना देरी किए जो है हम बॉक्स को खोल लेते हैं। तो यहाँ पर जो है हम बॉक्स को खोल के देख लेते हैं बॉक्स के अंदर क्या क्या देखने को मिलता है। तो यहाँ पर देख सकते हैं बॉक्स हमने खोल लिया है। खोलते ही कुछ इस तरीके का और एक बॉक्स मिला है जो कि कागज़ का है, आप लोग देख सकते हो। तो यहाँ पर जो है हमें सबसे पहले तो यहाँ पर मेन यूनिट मिलता है जो कि राउटर है, आप लोग देख सकते हो सिम राउटर। तो इसको जो है हम साइड में रख देते हैं, इसको लास्ट में देखेंगे। और यहाँ पर आपको जो है एक एथरनेट केबल देखने को मिलता है जिसका क्वालिटी बहुत ही अच्छा है। और आप लोग इसको यूज़ करके जो है अपने कंप्यूटर या लैपटॉप पर जो है आप लोग इंटरनेट को शेयर कर सकते हो इसके थ्रू। तो ये भी बहुत काम की चीज़ है, तो इसको भी हम साइड में रख देते हैं। यहाँ पर आपको दो एंटीनास भी देखने को मिलेंगे गाइस, देख सकते हैं परफॉर्मेंस इससे आप लोगों का बेटर हो जाएगा। तो इस एंटीना को कैसे लगाएंगे ये भी मैं आपको इसी वीडियो में बता दूंगा गाइस। तो दो एंटीना मिलते हैं तो इसको भी हम साइड में रख देते हैं। उसके बाद यहाँ पर एक पावर एडाप्टर मिलेगा आपको, जिससे आपको जो है पावर देना है अपने राउटर को। ठीक है गाइस, आप लोग देख सकते हो बहुत ही अच्छा क्वालिटी का यहाँ पर एक पावर एडाप्टर दिया गया है। तो यही सामान आपको जो है इस बॉक्स में मिलेगा। तो यहाँ पर जो है इन सबको साइड में रख देते हैं और हमारा जो मेन यूनिट है राउटर इसको हम देख लेते हैं। तो यहाँ पर देख सकते हैं राउटर जो है कुछ इस तरीके का देखने को मिलेगा। इसमें आप लोग जो है सिम, डायरेक्ट सिम को लगा के आप लोग जो इसको वाईफाई बना सकते हो। आप लोगों का एथरनेट केबल मिलेगा। तो यहाँ पर देख सकते हैं बिल्ड क्वालिटी बहुत ही अच्छा है गाइस, आप लोगों को देखने को मिल रहा होगा। यहाँ पर बिल्ड क्वालिटी बहुत ही अच्छा प्लास्टिक है, लेकिन यहाँ पर बहुत हेवी क्वालिटी प्लास्टिक का यूज़ किया गया है। देख सकते हैं थोड़ा सा भी यहाँ पर नहीं हिल रहा है प्लास्टिक, पूरा एकदम हेवी क्वालिटी का प्लास्टिक लगाया गया है। और यहाँ पर अगर वॉल में लगाना है आपको कील ठोक कर तो ये भी ऑप्शन दिया गया है इस पर। और यहाँ पर फ्रंट साइड में कुछ भी नहीं है गाइस। बैक साइड की बात करें तो बैक साइड में जो है आपको दो एंटीना लगाने के लिए जगह दिया गया है, जिसको मैं आपको लगा के दिखाऊँगा। पावर बटन मतलब पावर पोर्ट, यहाँ पर जो पावर आपके लिए आपको जो है यहाँ पर एक जो मिला है पावर एडाप्टर, इसको आप लोगों को यहाँ पर लगाना होगा। और यहाँ पर आपको 4 एथरनेट केबल लगाने के लिए पोर्ट दिए गए हैं। और यहाँ पर वाईफाई ऑन ऑफ करने का बटन भी है। और यहाँ पर WPS को रीसेट करने का भी ऑप्शन दिया गया है, बटन है यहाँ पर। और यहाँ पर नैनो सिम कार्ड जो आपके फ़ोन में लगता है वो सिम कार्ड आप लोग यहाँ पर सीधा डाल सकते हो। तो चलिए गाइस हम जो है एंटीना को मैं आप लोगों को लगा के दिखा देता हूँ। बहुत सारे लोगों को एंटीना लगाना नहीं आता है, तो यहाँ पर एंटीना को लेना है और यहाँ पर एकदम सीधा करके ऐसे करके आपको घुमाना है। एकदम सीधा करके घुमाना है गाइस, थोड़ा सा भी टेढ़ा होगा तो ये नहीं घूमेगा। तो एकदम सीधा करके आपको घुमाना है तभी जो है ये फिट हो जाएगा। तो यहाँ पर ऐसे करके घुमाते रहना है, आप लोग देख सकते हो यहाँ पर जो है ये घूम रहा है। जब सीधा होगा तो ये ऑटोमेटिकली जो है घूमने लग जाएगा। तो यहाँ पर से सीधा कर से आप लोग जब घुमाएंगे तो ये जो है अच्छी तरीके से फ़िट हो जाएगा। देख सकते हैं यहाँ पर फिट हो चुका है। तो सेम इसी तरीके से इसको भी आपको यहाँ पर लगाना है, कुछ इस तरीके से घुमाते रहिएगा और ये फ़िट हो जाएगा। आप लोग देख सकते हो ये फ़िट हो चुका है। उसके बाद आपको इसको एंटीना को जो है ऐसे कर देना है और ऐसे कर देना है, तभी जो है ये कुछ इस तरीके का दिखेगा। देख सकते हैं यहाँ पर हमारा राउटर तैयार हो गया है। अभी सिर्फ सिम लगाना है, पावर देना है और ये चल जाएगा। तो ये जो चलाने वाला वीडियो है गाइस, ये मैं आपको अगले वीडियो में बता दूंगा कैसे आप लोग इसको चलाएंगे, कैसे यहाँ पर इसको ऑन करेंगे, वाईफाई कैसे कनेक्ट करेंगे, एथरनेट केबल वगैरह वगैरह, मतलब कनेक्शन के जितने भी
बात होंगे वो सब मैं नेक्स्ट वीडियो में बता दूंगा गाइस। इस वीडियो में इतना ही। तो कैसा लगा आप लोगों को ये वीडियो? अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को भी सब्सक्राइब ज़रूर से कर लीजिए। मिलते हैं कल एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।